हाँ तो देखिए, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो हिंदी श्रृंखला का आपका जो चैप्टर चल रहा है पर्यायवाची, तीसरा चैप्टर जो पर्यायवाची का चल रहा है, पहला दूसरा चैप्टर कहा गया, तीसरा चैप्टर पर्यायवाची का नेक्स्ट मैंने अगला वीडियो आपके सामने यहाँ पे पेश किया जा रहा है। और इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण पर्यायवाची नोट करके भी लिया गया और जो क्वेश्चन आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको आप क्या करेंगे इसको कई बार देखेंगे और याद भी करेंगे। उद्देश्य देखना नहीं, उद्देश्य है याद करना और पेपर में सही करना, ताकि क्या माइनस मार्किंग है, आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सही कर ले जाएंगे, और जब ज़्यादा ज़्यादा सही कर ले जाएंगे तो सिलेक्शन की आपकी संभावना रहेगी। और ये देखते हैं जो राजा का पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है, अभी आपको जब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तो राजा का विलोम भी बताएंगे, राजा का विलोम क्वेश्चन डालता कौन सा विलोम नहीं है, तो राजा का क्या क्या है विलोम, ये सब जानना है आपने। तो अभी आइए देखिए राजा का पर्यायवाची हम देखते हैं, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है आपको याद करना है। देखिए भूप, इसको आप अंडरलाइन डाउन कर लेंगे नोट करते हो, तो भूप भूपति भूमपाल, यानी भूमपाल भूमपति भूमपति भूपाल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भूपाल, वहाँ पे आंसर में भोपाल भी दे देता है कि भोपाल राजा का पर्यायवाची है या नहीं है, तो भोपाल नहीं है लेकिन भूपाल है, क्योंकि भोपाल आप जान रहे हैं एक राजधानी है एक स्टेट की। नेक्स्ट आपका नरेंद्र, नृपति, नरेश, नरपति, तो आप इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा नृपति, इसको भी राउंड कर लेंगे इस तरह से, नृपति को इंपॉर्टेंट है, भोपाल इंपॉर्टेंट है और भूप इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछ लिया जाता है राजा में कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो ये डाल देता है आप सब में। ठीक, नेक्स्ट उन्नति, नेक्स्ट देखिए उन्नति का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, देखिए उन्नति का उत्कर्ष मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वर्तनी शुद्धि में भी लिखने के लिए आता है, उत्कर्ष का विलोम भी आता है तो अपकर्ष होता है, लेकिन देखिए उत्कर्ष किसका पर्यायवाची है, उन्नति का, उत्कर्ष, उन्मेष, उत्थान, उत्क्रमण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्क्रमण, इसको आप नोट करते समय राउंड कर लेंगे, उत्क्रमण, अभ्युदय, अभ्युदय, आरोह, चढ़ाव और उठाव, तो चढ़ाव उठाव तेजी हो गया, लेकिन पूछता क्या है, उत्क्रमण डाल देता है आंसर में, अभ्युदय डाल देता है आंसर में और उत्थान नहीं पूछता ज़्यादा, उन्मेष पूछ लेता है, उन्मेष किसका पर्यायवाची है, उन्नति का पर्यायवाची है, उन्नति का। नेक्स्ट बगीचा, नेक्स्ट किसका, बगीचा का पर्यायवाची, देखिए बगीचा क्या होता है, बाग, वाटिका, उपवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका उपवन, निकुंज ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुंज, फुलवारी, आराम और उद्यान, इसमें आपको जानना क्या है, उद्यान, उपवन और निकुंज, निकुंज किसका पर्यायवाची होता है, निकुंज। ठीक है, नेक्स्ट आपका मित्र, नेक्स्ट किसका, मित्र का, तो मित्र का देखिए क्या क्या होता है, सहचर, संगी, नॉर्मल नहीं पूछा था, साथी ये भी नहीं होता, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपका सुहृद, सुहृद, वयस्य, वयस्य है वयस्क नहीं है, वयस्य, मीत मोस्ट इम्पॉर्टेंट और दोस्त नॉर्मल जब जानी रहेंगे, तो इसमें आपको जानना क्या है, मीत, वयस्य और सुहृद किसके पर्यायवाची होते, सब दोस्त के पर्यायवाची होते या मित्र के पर्यायवाची होते। ठीक है, नेक्स्ट आपका देवता, देखिए नेक्स्ट देवता का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो क्या होता है, देव, सुर, सुर, अमर, निर्जर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अमरत्य, विबुध, त्रिदंश और भगवान, इसमें आपको त्रिदंश अंडरलाइन कर लीजिएगा, त्रिदंश, विबुध और निर्जर किसके होते हैं, देवता के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका किरण, तो किरण का पर्यायवाची पूछ लेता क्या नहीं है, तो पहले जानना होगा कि किरण के पर्यायवाची क्या क्या होता है, अंशु, रश्मि, कर, मयूख, मरीच, दीप्ति, अर्च, अर्च है, अर्च किसका पर्यायवाची होता है,
किरण का, जिसमें आपको जानना क्या अर्थ जानना है, दीप्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मरीच ये भी इम्पॉर्टेंट, और रश्मि, इसको आप पढ़ते हो क्या करेंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे और याद करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हाथी का, हाथी का पर्यायवाची देखिए नाग, आपको लग रहा होगा नाग से कि सर्प का पर्यायवाची है, लेकिन नाग किसका है, सर्प का भी पर्यायवाची है और हाथी का भी पर्यायवाची है। नाग आंसर में आपको दोनों नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, अगर दोनों रहेगा तो ए प्लस बी करके देगा। तो नाग, गज, दंत, कुंजर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाथी का कुंजर आता है, बहुत बार आ जाता है कुंजर, किसका पर्यायवाची है तो हाथी का, कुंजर, करी, हस्ती, बितुंड, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, बितुंड, दुरद, हमने आपको बताया था दुरद जो होता है किसका होता है, हाथी का पर्यायवाची होता है, और द्वय मातुर किसका होता है, गणेश का होता है, और द्वय रेफ अगर आता है तो भावरे का पर्यायवाची होता है। तो ये दुरद है, दुरद मतलब हाथी, हाथी का पर्यायवाची है, और सिंदूर और मतंग, इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, दुरद और सिंदूर और क्या कुंजर, ये पूछे जाते हैं हाथी से। फिर से फिर आपका नेक्स्ट है रात, नेक्स्ट आपका किसका, रात का, रात का देखिए पर्यायवाची यामिनी, निशीत, वाक्यांशों के शब्द में प्रयोग होता है निशीत, निशा, रजनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रजनी मतलब होता है रात, और रजनी चर अगर आता है तो राक्षस, यानी रजनी मतलब रात, अचर मतलब चलने वाला, रात में चलने वाला, रजनी चर तो राक्षस हो जाएगा। रजनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रात का तमिस्त्रा, इसको आप याद करेंगे, तमिस्त्रा किसका पर्यायवाची होता है तो रात का पर्यायवाची होता है। विभावरी, रैन, छड़दा और त्रियामा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको इसमें जानना क्या, त्रियामा, तमिस्त्रा, रजनी और निशीत। नेक्स्ट समुद्र का, समुद्र का देखिए पर्यायवाची, पर्यायवाची क्या होती है, पयोनिधि, अवधि, नीरधि, नदीश, रत्नाकर, उदधि, अरव, सरितपति, वारिस। तो अरव मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अरव किसका पर्यायवाची होता है, समुद्र का, और पयोनिधि किसका पर्यायवाची होता है, समुद्र का, आपको इसमें पयोनिध, अरव और रत्नाकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर देखिए नेक्स्ट समुद्र का हो गया, नेक्स्ट क्या, नदी, नदी में देखिए क्या, निम्नगा नॉर्मल है, सरिता नॉर्मल है, वाहिनी पूछा जाता है इसका मोस्ट, वाहिनी किसका पर्यायवाची है तो नदी का, वाहिनी और गामिनी, वाहिनी और गामिनी, और नेक्स्ट है श्रोताश्विनी, और क्या नेक्स्ट, निर्झरड़ी, अपगा और तरंगड़ी। तो आपको इसमें तरंगड़ी को याद रखना है, निर्झरड़ी और श्रोताश्विनी। नेक्स्ट देखिए घर, अक्सर आ जाता है तो सीरियल आ जाता है कि कौन इसमें से घर का पर्यायवाची नहीं है, लाइनिंग करके दे देता है और उसमें से कुछ विषम शब्द डाल देता है। देखिए घर का क्या होता है, गृह, भवन, सदन, निकेतन, आलय, धाम, मंदिर, आयतन, आपको इसमें जानना क्या, धाम, आलय और मंदिर किसके पर्यायवाची होते हैं, सब घर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट चालाक, चालाक का देखिए चतुर, जान रहे आप लोग, सयाना, सयाना, प्रवीण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नागर, कुशल, कुशल, दक्ष और पटु। तो पूछा था पटु किसका पर्यायवाची है, चालाक का, पटु, दक्ष और कुशल, इसमें आपको क्या करना, याद करना है। फिर नेक्स्ट है मोच, मोच देखिए सदगति, सदगति, परम पद, निर्वाण,
निर्वाण, मुक्ति, परम धाम, अमृतत्व और कैवल्य। इसमें आपको याद क्या करना है, कैवल्य को, अमृतत्व को, निर्वाण को और सदगति, इसके अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट संसार का, संसार के पास देखिए क्या होता है, तो विश्व, जगत, जग, दुनिया, लोक, जहान, आप इससे काफ़ी परिचित हैं, लेकिन इसका एक शब्द आता है नया आपको मिलता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, संस्कृत। तो संस्कृत किसकी पर्यायवाची होती है, संस्कृत संसार का। ठीक है, नेक्स्ट बंदर, देखिए बंदर का पर्यायवाची कपि, मरकट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हरि और शाखा मृग और कीस, बानर तो जान ही रहे आप। इसमें बंदर में आपको कितना याद रखना, बंदर में मरकट, हरि, शाखा मृग और कीस। ठीक, नेक्स्ट हिरण, नेक्स्ट किसका, हिरण का, देखिए हिरण का मृग कुरंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका, कुरंग, सारंग, हरिण होता है, हरिण किसका पता चलता है, हिरण का, हरिण, किस्लसार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब कोयल और सिंह। आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कोयल और सिंह से, क्योंकि सिंह किसका होता है, शेर का होता है, और कोयल मयूर, कोकिल किसका, कोयल का ही होता है। तो आपको सिंह यहाँ शेर का भी होता है और कोयल का भी इसका होता है, कि सिंह और कोयल किसके पर्यायवाची होते हैं, हिरण के भी पर्यायवाची होते हैं। जैसा आपको आंसर रहेगा उस आंसर हिसाब से आप सेट करेंगे। फिर नेक्स्ट है खोज, खोज और खोज का पर्यायवाची देखिए अन्वेषण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अन्वेषण और गवेषण, जांच, शोध, अनुसंधान। आपको इसमें जानना क्या, अन्वेषण, अन्वेषण है, सॉरी अन्वेषण और गवेषण, इस तरह से आपको क्या करना, देखना और याद भी करना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पर्यायवाची का नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। धन्यवाद।